हेलो गाइस, कैसे हो आप दोस्तों। मैं हूं कश्मीर, आप देख रहे हैं जॉब्स गाइड। गाइस, आप सबके लिए गुड न्यूज है, ठीक है। ओपनिंग्स तो ढेर सारी लेके आए हूँ आपके लिए, जैसा कि आप हमेशा लेके आया हो, ठीक है, हमेशा लेके आता रहा हूँ। आज थोड़ा सा अलग है क्या, ओपनिंग के साथ आपको एक अपनी जो यूनिक सिविल की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आज लॉन्च कर रहा हूँ आपके इस वीडियो के माध्यम से। तो गाइस, ये वेबसाइट बहुत मैंने अपने खुद से बनाया हुआ है, ठीक है। अभी काफी काम करना भी बाकी है। मैं चाहूंगा कि इस वेबसाइट को देख के आप जरूर सजेशन देंगे, एग्जैक्टली आपको क्या लगता है कि सर ये चीज कर दीजिए तो और बेटर हो जाएगा। फॉर एनी सजेशंस आई ऑलवेज वेलकम यू, ठीक है। ये जो वेबसाइट है इसमें हमने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है वेबसाइट को। यहाँ पर आपका जो कोर्सेज वगैरह के रिलेटेड BIM, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, PV, प्रीकास्ट, सबके बारे में आ जाएगा। उसके अलावा और फैसिलिटीज पे वर्क कर रहे हैं अभी, और काम करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। थोड़ा मैंने अपने बारे में इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ज्वाइन एस का भी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। कुछ यहाँ पर ऑफर्स वगैरह रहते हैं तो ऑफर्स वगैरह आपके लिए दे रखा है। अच्छी बात यह है कि अभी 50% ऑफ का ऑफर दे रखा है आपके लिए रिपब्लिक डे का, जाके सभी लोग यूनिक सिविल की वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो और यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है। अभी इस पे और काम करना बाकी है, ये धीरे धीरे करेंगे, लेकिन मेरा मन बहुत दिन से करता कि जल्दी से पहले आपको बता दूँ। तो आपको जैसे आपको यूनिक सिविल के यूट्यूब चैनल पर जाना है तो जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पर आ जाएंगे। और उसके बाद अगर आपको कोर्सेज के बारे में जानना है, अपने जो ऑल इन वन है, BIM है, प्रीकास्ट है, मैक्सिम सबके पास होगा ही, आपको जो जाना है उसके ऊपर क्लिक करोगे तुरंत कोर्सेज की वेबसाइट पर आ जाओगे, मतलब कोर्सेज के पेजेस पर आ जाओगे और वहां पर आके पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन तुमको यहाँ पर मिल जाएगा व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर, ठीक है। आप ऑल इन वन के लिए देख रहे हो, आप BIM के लिए देख रहे हो, ऑटोकैड यहाँ पर, PEB के लिए, ठीक है, जिस जिस कोर्स के लिए आप देखना चाह रहे हो सबके सब कोर्सेज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हैंड होल्डिंग सपोर्ट, यानी कल को आपको ऐसा हुआ कि आप कुछ सीख रहे हो, आपको बार बार किसी गाइड की नीड पड़ रही है, आप सिंपल तरीके से जस्ट हैंड होल्डिंग सपोर्ट कोर्स लेके 50% ऑफ चल रहा है अभी, आपके लिए गिफ्ट है। तो आप क्या कर सकते हैं, डेली 1 घंटे में लाइव रहता हूँ, जाके जितने क्वेश्चन चाहो उतने क्वेश्चन पूछ सकते हो। किसी कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो बता देना, सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी तो हम लोग ओपनिंग्स के लिए आए हुए हैं कि ओपनिंग्स कहाँ कहाँ पर है, तो ये हो गया आपका आवर कोर्सेज। इसके अलावा जॉब्स गाइड का भी लिंक यहाँ पे दे रखा है, जिससे कि आप डायरेक्ट जॉब्स गाइड के यूट्यूब चैनल पर आके, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पर आके इसको देख सकते हैं। लास्ट में है आपका लॉग इन कोर्स, सबसे अच्छी चीज ये है, कई लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं ऑल इन वन के, BIM के, जो भी आपके कोर्सेज है। तो कुछ नहीं करना है, सपोज इस कोर्स को आपको एक्सेस करना है, अपने कोर्स को, आपका जो वीडियो कोर्स है, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो तुरंत आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। कुछ ना कुछ मोबाइल नंबर से तो रजिस्टर किए होंगे। सपोज मैंने अपना एक मोबाइल नंबर डाला इस तरीके से, और जैसे मैं प्रोसीड करूंगा तुरंत ये हमसे OTP पूछेगा, ठीक है। हमने इसको OTP दे दिया, OTP हमारे मोबाइल पर आ चुका है। ये जैसे क्लिक किया तो एज ए स्टूडेंट हमारा पूरा का पूरा अकाउंट खुल जाएगा। हमने जो जो हमने से हमने हैंड होल्डिंग सपोर्ट को परचेस कर रखा है इस अकाउंट से, BIM को परचेस कर रखा है, ऑल इन वन को कर रखा है, तो ये सब कोर्सेज यही दिख जाएंगे आपको। यहाँ पर देखना चाहो यहाँ देख लो, दूसरे कोर्सेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा आप यहाँ पर जाओगे तो आपके प्रोफाइल खुल जाएगा, आपके प्रोफाइल में आपके सारे कोर्सेज ऑलरेडी रहेंगे। तो टोटल मैंने 3 कोर्सेज ज्वाइन किए हुए हैं इस प्लेटफॉर्म से, ऑल इन वन, BIM और हैंड होल्डिंग सपोर्ट, तो सब के सब यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जब मन करे, जिसको मन करे उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी गिफ्ट है। और आप लोग को कैसा लगा मेरा प्रयास, ये यूनिक सिविल की वेबसाइट कैसे लगी, सबसे पहले तो मुझे इसके बारे में जानना है। देख लो सभी लोग फटाफट कैसे कैसे पूरा का पूरा आपको यहाँ पर वेबसाइट दिख रहा है। अभी और भी काम करेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी हमने जितना किया वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। नेक्स्ट वगैरह इस क्या है कि अभी चलो ओपनिंग्स के बारे में चलते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जॉब्स गाइड पे देख रहे हैं ओपनिंग्स के बारे में। ओपनिंग्स आपको कभी भी चाहिए, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि every 2 days पर, मतलब अल्टरनेट डेज पे आपको ओपनिंग्स मिलती जाए, तो जॉब्स पोर्टल पे वो दिखते जाएंगे। लॉग इन कोर्सेज आपने देख लिया, आवर कोर्सेज देख लिया, ये भी देख लिया, और ये वेबसाइट आपने देख लिया। कमेंट करना कैसा लगा। अब चलते हैं ओपनिंग्स के ऊपर। तो ये ओपनिंग्स है, एक पहली ओपनिंग्स देखी है सिविल डिजाइनर की, प्रोकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बहुत अच्छी कंपनी है ग्रेटर नोएडा में। इनको सिविल डिजाइनर्स की रिक्वायरमेंट है। आप क्या अगर एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में है या फिर इस इंडस्ट्री में आपको अच्छा लगता है तो गो फॉर दैट, आपके लिए अच्छी ओपनिंग्स हो सकती है। नेक्स्ट जो कंपनी है काफी ज्यादा मुझे पसंद है, एटकिंस बैंगलोर में कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है, ठीक है। अवेकस यूज करते हैं स्टैट को, ETF, अगर आपको स्टैट या ETF आता है तो आप आंख बंद करके अप्लाई कर, लेकिन आंख खोले रहना, अप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये काफी अच्छी कंपनी है, और सबसे अच्छी चीज की उनको स्टैट को और ETF पे ही मैक्सिमम काम रहता है। बाकी तो सॉफ्ट सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर जो कि इन हाउस सॉफ्टवेयर आपको सिखा देंगे वो,
जैसे कि आप टेट्स देख रहे हैं, इंडिया स्टेट का, ये सब क्या है, कनेक्शन के सॉफ्टवेयर है, तो दे विल ट्रेन यू। ठीक है, आपको अच्छे से स्टेट टू आना चाहिए, आपको अच्छे से ई टी एफ्स आना चाहिए। तो ये दूसरी ओपनिंग से, तीसरी ओपनिंग से वैकेंसीज फॉर स्टेट टू। ठीक है, स्टेट टू के लिए है, कोलकाता के लिए कुछ लोगों ने कमेंट किया था, तो मैंने कोलकाता के लिए सर्च किया आपके लिए ओपनिंग। तो अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है स्टेट प्रो का, तो आप कोलकाता के लिए बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर टोटल तो कोई 1 ईयर एक्सपीरियंस इनको रिक्वायर्ड है, प्रीफर्ड, आप फ्रेशर भी हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। कई लोग इस वीडियो को जॉब्स गाइड पर नहीं बल्कि यूनिक सिविल के प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे, तो आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि ऐसी ओपनिंग्स जॉब्स गाइड पर रेगुलर आती रहती है, तो आप जॉब्स गाइड वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपका हेल्प होगा। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को पता है, जिसको नहीं पता है आप वेबसाइट से आके डायरेक्ट जॉब्स पोर्टल पे जा सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो हैदराबाद के लिए स्टेट। अब आप लोगों ने जो कमेंट किए थे लास्ट टाइम कि सर मुझे यहाँ की ओपनिंग बताइएगा प्लीज, आप लोग भी याद रखिए आपको कहाँ की ओपनिंग चाहिए, डू कमेंट सो देट कि हम वहाँ की ओपनिंग आपके लिए ला सके। तो स्टेट को के लिए एनालिसिस इंजीनियर चाहिए इनको, और ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। ठीक है, और डे शिफ्ट में इनका पूरा का पूरा काम है, 2 साल एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, बट अगर आपके पास 6 मंथ का भी एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप भी कर रखा है, बेशक आप अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी है वो एनसीसी लिमिटेड है, काफी अच्छी काफी बड़ी कंपनी है। ठीक है, और वैसे तो इनकी क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के कॉलेज से ये हायरिंग करते हैं ज्यादातर, क्योंकि ये सब एनसीसी आप सबको पता है बहुत अच्छा पैकेज देता है, मतलब इनके पैकेज का लेवल तो मतलब 8 लाख 10 लाख के नॉमिनल पैकेज होते हैं इनके। तो आप अगर आपके पास अच्छा स्पॉन्सरशिप का नॉलेज है तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी है वो कंपनी है श्री सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज करके है, रेविट में है ओपनिंग्स, और इसमें स्कैन टू प्रोसेस बीम के प्रोसेस पर काम करना है। अगर आपको रेविट का अच्छा नॉलेज है, नेविस्वर का अच्छा नॉलेज है, या फिर आपने गुरुकुल बैच से BIM सीख रखा है, तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर दीजिए, मैक्सिमम चांसेस होंगे आपके शॉर्ट लिस्टिंग के। नेक्स्ट कंपनी है सेंटेक। सेंटेक जो कंपनी है भी काफी बेहतरीन, इवन पुणे के लिए काफी फेमस कंपनी है ये, तो हमने सेंटेक के लिए भी आपके ओपनिंग्स दिया हुआ है, और नॉर्मल ओपनिंग्स है, मतलब कि इनका जो हेड ऑफिस है पुणे में ही है, इनको सिविल वाला बंदा चाहिए, अच्छा नॉलेज है आपके पास तो आप अप्लाई कर दीजिए, इनके पास कई प्रोफाइल्स में जॉब्स रहती है। नेक्स्ट कंपनी है आर्च रिक्रूटिंग सॉल्यूशंस करके कंपनी है, BIM मॉड्यूलर इनको चाहिए, क्या चाहिए, BIM मॉड्यूलर चाहिए, पुणे बेस्ड कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो आप दे सकते हैं, लगभग 4 लाख के आसपास का इसका पैकेज है कंपनी का। नेक्स्ट जो कंपनी है वो नील सॉफ्ट है, पुणे के हर एक इंसान को लगभग जो सिविल इंजीनियर है उसको पता है कि नील सॉफ्ट एक वन ऑफ द बेस्ट MNCs है। ठीक है, पुणे स्टेशन भी जस्ट बगल में ही है, मतलब जस्ट बगल 200-300 मीटर के दूरी पर है पुणे स्टेशन से, और यहाँ पर इनको BE रिक्वायरमेंट है, और इनके यहाँ पर रेगुलर ओपनिंग्स रहती है क्योंकि रेगुलर काम इनके यहाँ पर आता रहता है। तो इस तरह की कंपनी है आपकी नील सॉफ्ट। नेक्स्ट जो कंपनी है वो कंपनी है स्टेप स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड करके, ये भी पुणे में वारजे में कंपनी, एक्चुअली में वारजे कुछ लोगों को पता होगा जो पुणे में रहते हैं। तो इनके 2D 3D, और इनको चाहिए क्या, रेविट चाहिए, रेविट आर्टिचर स्ट्रक्चर्स, ऑटोकैड, कंक्रीट, स्टील और RCC प्रीकास्ट का इनको रिक्वायरमेंट है। तो दीज आर दी ऑल रिक्वायरमेंट्स, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है। आप चाहते हो कि सर यहाँ की भी ओपनिंग्स बताइए, तो प्लीज डू कमेंट सो दैट कि हम नेक्स्ट टाइम ज्यादा जल्दी से जल्दी आपके लिए उस लोकेशन की भी ओपनिंग्स लेके आ सके। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये हमारी वेबसाइट कैसी लगी, क्योंकि अभी आपको लैपटॉप पे अपने कोर्सेज को एक्सेस करना है, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लॉगिन कोर्सेज पे जाओगे एक्सेस हो जाएगा, कोर्सेज के बारे में पढ़ना है और कोर्सेज पे जाओगे पढ़ लोगे, जॉब्स के बारे में देखना है जॉब्स पोर्टल पे जाके पढ़ लोगे। अभी हम यहाँ पर ब्लॉग सेक्शंस का प्रयास करें कि एक ब्लॉग्स आएगा जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के ढेर सारे, जैसे कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग प्रिपरेशन से रिलेटेड चीजें डालेंगे, BIM से रिलेटेड डालेंगे, कैसे इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, तो इस तरह के रिलेटेड एक ब्लॉग्स का अलग से सेट डालने वाला हो। अगर आप लोग के पास कोई भी सजेशंस है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने सजेशंस को हमें कमेंट करें यहाँ पर, और नेक्स्ट टाइम हम जल्दी से जल्दी उसको इसमें अपग्रेड करें। दिस ऑल द थिंग्स आई हैव डन बाय माय सेल्फ, मैंने खुद से किया हुआ है, इसलिए थोड़ी मेहनत लगी है, सीधी सीधी बात है, हमारा बैकग्राउंड नहीं है, हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, फिर भी हमने थोड़ा सीखा, थोड़ा गेस किया कर करके, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुधार। तो यहाँ पर आपको कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे तो admin@unicsivil.com पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।